दोस्तों, मैं हूं जावेद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भाई पहली बार सऊदी अरब आते हैं तो वो लोग तो उनके मन में एक ही सवाल होता है कि अगर हम यहाँ पर गमका मेडिकल करा रहे हैं तो क्या वहाँ पर भी गमका मेडिकल होता है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हाँ, यहाँ पर भी गमका मेडिकल होता है, और क्या अगर होता भी है अगर यहाँ पर मेडिकल तो क्या सेम प्रोसेस होता है, मतलब सेम तरीके से होता है जैसे अपने इंडिया में क्या है कि आपका ब्लड लिया जाएगा, एक्सरे, फिर आँखों का टेस्ट, मतलब सारे तरीके से जो चेक करते हैं, तो क्या यहाँ पर भी चेक करते हैं। तो इसके बारे में हम आज आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि जो यहाँ का इकामा जो मेडिकल टेस्ट होता है वो कैसे होता है और उसका क्या प्रोसेस होता है, उसमें क्या क्या चेक करते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर जो फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। हम गल्फ से रिलेटेड इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। जिस भाई का सवाल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके फॉलो करना, कमेंट्स करना, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। तो चलो वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे मेरे भाई लोग। भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर मेडिकल होता है इकामा मेडिकल, वो कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस उसका होता है और उसमें क्या खर्चा आता है। तो खर्चे की तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हालांकि हम बता भी देंगे खर्चे का हमारा मतलब मुद्दा नहीं रहता, क्योंकि अगर हम कंपनी में भी आते हैं तो कंपनी वाला लगा के देता है इकामा, और अगर हम कफील के घर पे आते हैं तो कफील वाला लगा के देता है इकामा। उसमें खर्चे का कोई मतलब नहीं होता, फिर भी हम बता देंगे। और जो इसमें चेक करते हैं वो क्या क्या चीज़ चेक करते हैं और कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए जब मेडिकल आप कराने जाते हो, तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ का मेडिकल कराने जा रहे हो, जैसे आप सऊदी अरब आ चुके हो या आने का सोच रहे हो, तो आप पहले से ही सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे कि इकामा मेडिकल कैसे होता है। तो दोस्तों, ये पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या क्या चेक होता है। दोस्तों, जब आप यहाँ पर आओगे, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद फिर एक से दो दिन के बाद आपका कफील आपका अपॉइंटमेंट लेगा इकामा के लिए। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होता है, वो लेगा, उसके बाद फिर वो डेट उस पर लिखी रहती है कि आपको फला दिन वहाँ पर जाना है। आप वहाँ पर जाओगे और हाँ भाई, जाने से पहले भाई आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। भाई, अगर आप मेडिकल कराने जा रहे हो तो आप ठंडी चीज़ों से बचो। यहाँ पर आने के बाद आपको ठंडी चीज़ों से बचना है। अगर नज़ला या ज़ुकाम है तो भाई उसका थोड़ा एहतियात करो, पहले से ही आप गर्म पानी पियो और थोड़ा मतलब ऐसी विक्स लगाओ सीने पे अगर नज़ला ज़ुकाम है तो। हालांकि यहाँ पर अगर नज़ला ज़ुकाम है तो वो लोग पास कर देते हैं, ऐसा कोई इशू आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो लोग समझते हैं कितना पैसा लगा करके यहाँ पर आया है तो ये ठीक होने वाली चीज़ है, ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम तो ठीक हो जाता है, इंसान का आता है ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, जब आपका अपॉइंटमेंट लिया जाएगा, अपॉइंटमेंट फिर आपको नज़दीकी हॉस्पिटल में भेजेंगे। हर एरिया का एक हॉस्पिटल होता है इकामे का, तो आपको नज़दीकी हॉस्पिटल में भेजेंगे। वहाँ पर आपको जाने से पहले भाई आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ओरिजिनल पासपोर्ट और 2 से 3 फोटो आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। फिर आप वहाँ पर जब जाओगे तो आपका पासपोर्ट वहाँ पर देखेंगे, फिर फोटो आपसे ले लेंगे। उसके बाद को फिर आपका सबसे पहले आपका ब्लड चेक करते हैं। ब्लड में काफ़ी तरीके की जाँचें करते हैं ये लोग, और वहीं मतलब थोड़ा ज़्यादा भी खून निकाल सकते हैं तो आप घबराना मत, क्योंकि ये लोग ब्लड में सारी बीमारी चेक करते हैं, सारी जांचें ये लोग ब्लड से ही करते हैं। फिर आपको एक्सरा पे भेजेंगे एक्सरा करने के लिए, फिर आपका एक्सरा हो जाएगा। एक्सरा होने के बाद भाई फिर यहाँ पर एक और रूल है, हालांकि हर जगह पे ये रूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल में आपका पेशाब भी चेक करते हैं और आपका पैखाना भी, लेटरिन भी चेक करते हैं। वो आपको इतनी डिग्गी देते हैं, मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब वो डिग्गी देते हैं, फिर उसमें थोड़ा अजीब जैसा लगता है, लेकिन यहाँ का जो रूल है, मतलब हर हॉस्पिटल में ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई हॉस्पिटल में ऐसा सिस्टम है। फिर आपका जो मतलब लेटरिन और पैखाना भी चेक करेंगे और आपका ब्लड चेक करेंगे और आपका एक्सरा चेक करेंगे। हालांकि 50% आपका लेटरिन और पेशाब नहीं चेक करेंगे, बस भाई यहाँ पर यही चेक करते हैं, ब्लड और एक्सरा, उसके बाद कुछ भी नहीं चेक करते भाई। हालांकि बहुत से भाइयों का ये सोच रहता है कि यार यहाँ पर इतना हार्ड मेडिकल हो रहा, वहाँ पर भी इतना ही हार्ड मेडिकल होगा। नहीं भाई, सिर्फ आपका यहाँ पर ब्लड सही होना चाहिए, ब्लड में कोई दिक्कत परेशानी ना आए, आप यहाँ पर 100% पास हो जाओगे। एक्सरे में अगर 19-20 है तो यहाँ पर चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मुश्किल मेडिकल यहाँ पर नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो कि यहाँ का मेडिकल जो होता है वो किस तरीके से होता है, मतलब अपने इंडिया जैसा ही होता है या फिर मतलब दूसरी तरीके से होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रिपोर्ट की। रिपोर्ट क्या होता है कि भाई यहाँ पर आपको ऑनलाइन रिपोर्ट मिलती है, आपको हैंड टू हैंड रिपोर्ट नहीं मिलती है।
आपका जिसने वीजा निकाला होगा आपका कफिल या आपकी कंपनी उसके पास मैसेज जाएगा 12 से 24 घंटे के अंदर। उसके पास मैसेज जाएगा फिट या अनफिट का, अगर आप फिट हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक हफ्ते के अंदर आपका इकामा बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। बिल्कुल नॉर्मली तरीके से यहाँ पे मेडिकल होता है, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, घबराने की बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मेडिकल चेक करते हैं यहाँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। गल्फ से रिलेटेड अगर आपको कोई सा भी सवाल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके फॉलो करना और कमेंट्स करना, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके बाय।